नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। दोस्तों, अरविंद केजरीवाल को न जाने क्या हो गया है। भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ लड़ाई लड़ने का भरोसा वो जनता को देकर के आए थे और आज देखिए केजरीवाल शराब घोटाले में फंसे हुए उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को भारत रत्न देकर के सम्मानित करने की मांग कर रहे हैं। और मैं आपको बताऊं कि इससे पहले उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग में फंसे दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को भी पद्म विभूषण से सम्मानित करने की मांग की थी। आप समझ सकते हैं कि उन्हें क्या हो गया है। दोस्तों, ये पूरी वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, आप मेरे साथ बने रहिए। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। तो मैं बात कर रही थी अरविंद केजरीवाल की। दरअसल इस साल गुजरात में, साल के अंत में गुजरात में विधानसभा के चुनाव होने हैं और केजरीवाल बहुत ही ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट है। वो इस समय गुजरात के दौरे पे हैं और लोग तो उनके चेहरे पे हवाइयाँ उड़ियों में देख रहे हैं, लेकिन वो लोगों को ये कह रहे हैं कि उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जो हैं उन्हें ये अवार्ड देना चाहिए, उन्हें इस अवार्ड से सम्मानित करना चाहिए। और एक बात मैं आपसे बताऊं, केजरीवाल के चेहरे पे भी सीबीआई की छापेमारी और सिसोदिया की गिरफ्तारी का डर जो है वो साफ दिखाई दे रहा है। केजरीवाल ने खुद ही ये आशंका भी जताई है कि सिसोदिया को जल्द ही गिरफ्तार किया जा सकता है। मतलब जिस तरीके से अगर किसी बात को हम चाहते हैं कि वो ना हो तो हम बार बार कहते हैं, अरे ये तो नहीं हो जाएगा, अरे ये तो हो जाए, मैं तो बहुत साफ सुथरा हूँ। एग्जैक्टली इसी तरीके से वो मनीष सिसोदिया का महिमा मंडन करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ रहे हैं। सिसोदिया को आज़ाद भारत और दुनिया का सबसे बेहतरीन शिक्षा मंत्री घोषित कर दिया उन्होंने। केजरीवाल इतने पर ही नहीं रुकते हैं, उन्होंने सिसोदिया को भारत रत्न की मांग की भी बात कर दी है और पूरे भारत को उन्होंने हैरान कर दिया है। देखिए, एक तरफ ईडी का शिकंजा उन पर कस रहा है, वो शराब नीति में फंसे हुए हैं और केजरीवाल उनको भारत रत्न की मांग कर रहे हैं। यही नहीं रुकते हैं, वो ये भी कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने पूरे देश की शिक्षा व्यवस्था को सही कर दिया, जिसको पूरी शिक्षा व्यवस्था सौंप देनी चाहिए, जिस व्यक्ति ने 5 साल के अंदर करिश्मा करके दिखा दिया, मौजूदा पार्टियाँ जो 70 साल में नहीं कर सकें वो सिसोदिया ने 5 साल में कर दिया, और जिस व्यक्ति ने सरकारी स्कूलों को शानदार बना दिया, उस व्यक्ति पर सीबीआई की रेड करते हुए शर्म नहीं आती, ऐसे व्यक्ति को भारत रत्न मिलना चाहिए और प्रधानमंत्री को उन्हें बुलाना चाहिए। जो भी पार्टी हो, पार्टीबाजी नहीं करनी चाहिए और देश का विकास करना चाहिए कि मनीष जी आइए, बैठिए, बताइए कैसे शिक्षा व्यवस्था ठीक करनी है। अब कोई उनसे ये पूछे कि यहाँ शिक्षा की बात कहाँ किसी ने की है, वो तो शराब नीति में फंसे हुए हैं। लेकिन केजरीवाल इतने पढ़े लिखे होकर भी ऐसी बातें कर रहे हैं, अजीब इंसान है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल मनीष सिसोदिया की संभावित गिरफ्तारी को लेके इतने डरे हुए हैं कि अब जातिवाद का सहारा लेकर के वो जो ये स्थितियाँ बन रही हैं उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मनीष सिसोदिया पर सीबीआई रेड से राजपूत, ब्राह्मण, बनिए, अमीर, गरीब, महिलाएं, बुजुर्ग सभी नाराज हैं ये कह करके उनका बचाव किया। और केजरीवाल और सिसोदिया पर जैसे जैसे शिकंजा कसता जा रहा है, दोनों जाति का काट खेलने में लग गए हैं। इससे पहले आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने जाति काट खेलते हुए कहा था, अनुराग ठाकुर जी कम से कम सिसोदिया वंश का इतिहास तो पढ़ लिया होता, मनीष सिसोदिया से लड़ाई लड़ो,
उनका नाम बदलने की हैसियत किसी में नहीं है। सिसोदिया महाराणा प्रताप जी के वंशज है, आगे से सोच समझ के बोलिए, यह उनका कहना है। जो असली बात है उस पे वो नहीं आ रहे हैं, जो उन्होंने कांड किए हैं उसकी बात नहीं कर रहे हैं, अब वो जातिवाद का कार्ड खेल रहे हैं। अच्छा, और सुनिए आप, इससे पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद सत्येंद्र जैन का भी बचाव किया करते थे, काफ़ी उनका महिमा मंडन किया करते थे, और 2022 में उन्होंने कहा था कि सत्येंद्र जैन ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में ऐतिहासिक कार्य किया और उन्हें पद्म विभूषण जैसे देश के सबसे बड़े सम्मान देने चाहिए, और उन्होंने देश को मोहल्ला क्लिनिक का एक मॉडल दिया, ये केजरीवाल कह रहे हैं, जिसको देखने के लिए देश ही नहीं बल्कि दुनिया से लोग आ रहे हैं। वहीं दिल्ली को एक ऐसा हेल्थ का मॉडल दिया कि दिल्ली के अंदर सबका इलाज फ्री हो रहा है। दूसरी ओर मुख्यमंत्री ने यह भी दावा किया कि मैं सत्येंद्र जैन सीबीआई व इनकम टैक्स की जांच की तरह ईडी की जांच में भी सत्येंद्र जैन जो है बिल्कुल साफ निकलेंगे, ऐसा उनकी सोच है। भले ही दिल्ली के सीएम केजरीवाल अपने स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को पाक साफ बताने में लगे हुए हैं, उन्हें पद्म विभूषण दिलाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली की एक कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग में उनके खिलाफ पुख्ता सबूत होने की बात मानी है, और दिल्ली के अदालत में मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में मंत्री सत्येंद्र जैन और अन्य के खिलाफ जो भी केसेस हैं उनका संज्ञान लिया है। और कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए ये भी कहा कि पहली नज़र में उनकी संलिप्तता को लेकर के पर्याप्त सबूत मौजूद हैं, इसके बावजूद एक कट्टर ईमानदार होने का ढिंढोरा पीटने वाले केजरीवाल ने सत्येंद्र जैन को अभी तक मंत्री पद से हटाया नहीं है। देखिए, ये उनकी सोच है, ऐसा नहीं है कि उन्हें चीज़ों की समझ नहीं है, ऐसा नहीं है कि उन्हें ये नहीं पता है कि पद्म विभूषण किसे दिया जाता है और भारत रत्न किसे दिया जाता है, लेकिन फिर भी वो अपने भ्रष्ट मंत्रियों के लिए इन पुरस्कारों की मांग कर रहे हैं, और जब कोई बात नहीं बन रही है तो वो जातिवाद का कार्ड खेल रहे हैं। मनीष सिसोदिया को वो कैसे क्या बता रहे हैं, उन्हें कह रहे हैं कि वो महाराणा प्रताप के वंशज हैं। ये सब बातें कौन इन पे सवाल उठा रहा है? सवाल ये है कि अगर उन्होंने कुछ काम किया है शिक्षा मंत्री, तो उस पर कोई सवाल नहीं उठा रहा है। उनको मनीष सिसोदिया के लिए जो बात हो रही है वो उनकी शराब नीति को लेकर के हो रही है। तो अब ये केजरीवाल को समझना चाहिए कि वो क्या बोल रहे हैं, किसके बारे में बोल रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जो अरविंद केजरीवाल हैं वो अपने ही जाल में उलझ गए हैं, और अगर वो नहीं रुके कहीं तो वो खुद भी इसमें उलझ जाएंगे। हालांकि अरविंद केजरीवाल अपने आप को बिल्कुल बचा के चल रहे हैं, सिसोदिया के लिए बात जरूर कर रहे हैं, सत्येंद्र जैन के लिए बात जरूर कर रहे हैं, लेकिन वो इन दोनों के लिए बात कर रहे हैं फिर भी वो अपने आप को बचा के चल रहे हैं। तो इस तरीके का चरित्र है केजरीवाल का। दोस्तों, ये कंटेंट आपको कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा है, इस वीडियो को आप शेयर कीजिएगा, इस वीडियो को आप लाइक कीजिएगा। फिलहाल इतना ही दोस्तों, आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए और मेरा चैनल देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।